मकर लग्न है और तुला राशि का है, तो शनि का सबसे बेस्ट ट्रांजिट होने जा रहा है, मकर राशि का तृतीय में जाएगा, मकर लग्न का तृतीय में जाएगा, तुला राशि का छठा में जाएगा। तो ये तो 30 साल लास्ट विगत 30 साल का सबसे बेस्ट ट्रांजिट फॉर तुला राशि एंड मकर लग्न, ठीक है। हाँ, तो और इसमें इसको तो दोनों तरफ से मकर लग्न के लिए भी धन लक्ष्मी योग बनाएगा, तुला राशि के लिए भी धन प्राप्ति योग बनाएगा। और अभी तो तुला राशि वाले पहले तो ढैया में चले, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 56 बड़े बड़े दुकान और इंडस्ट्री में जाके पूजा करके आया हूँ। उनका साइड में दुकान चल रहा था, इनका नहीं चल रहा था। तो कोई बोला टोना टोटका कर दिया है, कुछ करा दो महाराज, बोला कोई टोना टोटका नहीं, ये तो ढैया है। उसके बाद पनौती लगा, तो पनौती में क्या होता है, लोग आपको यूटिलाइज करेंगे, आपसे फ़ायदा उठाएंगे और पीछे से एक लात ठोक देंगे। और पनौती में आप जो भी चीज़ हाथ मारते हो वो चीज़ क्या होता है ज़िंदगी में, मतलब सुना को भी पकड़ा दो तो चुना करके रख देता है, बढ़िया से बढ़िया काम दे दो तो वो काम बनते बनते बिगड़ जाता है, रुक जाता है, ठीक है ना। और तुला लग्न, तुला राशि मकर लग्न, तो इधर से मकर लग्न का शनि द्वितीय में और इधर तुला का पंचम में, तो डबल मार पड़ा था ना महाराज इनको, तुला मकर लग्न तुला राशि का तो डबल मार, डबल हिट हो गया था, डबल ब्लॉकेज बोलते हैं इसको, ठीक है। ले दे के ठीक ठाक था तो जाके बृहस्पति भी अष्टम में बैठ गया, मंगल में भी अष्टम बैठ गया, बहुत सारे तुला राशि का हाथ पैर टूटा, एक्सीडेंट हुआ, सर फूटा, ठीक है। ऐसा तुला राशि जिसका तो हाथ पर दोनों टांग भी टूटा, पैर भी टूटा, हाथ भी टूटा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कैसे, मैं प्रेडिक्शन दिया था ऐसा होगा, सावधान रहना, अष्टम बहुत अष्टम बाधा देने जा रहा है, तो दिया। तो इसमें अभी इनका धीरे धीरे देखिए रेमेडी नहीं करने के बावजूद भी अब 6 महीना के बाद तो बहुत अच्छा गोचर मिल रहा है इनको। पंचम में राहु आ जाएगा तो इनको चालाक चतुर बनाएगा, छठा में शनि आ जाएगा तो रोग रिपूरण से बचाएगा। 2.5 साल के अंदर तुला राशि वालों को समझ लीजिए जितना भी रोग रिपूरण है सबका निवारण कर देगा। राहु भी अभी पावर में आ रहा है, धीरे धीरे आ चुका है तो ये भी कराएगा। तो एक लंबा पीरियड आप समझ लो कि थोड़ा सा अगर आपके कुंडली का रेमेडी कर देते हैं तो देखना कि अगर अभी से रेमेडी बढ़िया से कर देते हो तो वो 2.5 साल समझ लीजिए कि आपके लिए सुपर मार्बलस एंड गोल्डन पीरियड बना के लाएगा और सब कुछ रिकवरी भी कर देगा। बाकी सारे गोचर बहुत अच्छे फेवरेबल में जा रहे हैं उस समय। लाभ स्थान में भी केतु जाएगा तो लाभ स्थान में केतु बुरा तो देगा नहीं। 5-11 इज ओके। गुरु बृहस्पति नवम में भी आ जाएगा, देन दैट इज नवम गुरु बृहस्पति, वो भी एक बहुत बड़ा ग्रैंड गुड बेस्ट पीरियड रहता है। तो सारे इस तुला राशि के लिए एक फेवरेबिलिटी अब तक नहीं था, अभी फेवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा टॉप गुड और बेस्ट में जाएगा। बट टाइम है, 6-7 महीना का टाइम है तो उसमें अच्छा देगा। हाँ, थोड़ा बीच में एक दो झटका देगा, राहु और शनि का क्रॉस ट्रांजिट होगा तो उस समय किसी लोगों को रोग वगैरह दे सकता है, एक्सीडेंटल इफेक्ट दे सकता है, सडन लॉसेस दे सकता है, किसी किसी का कुंडली के अनुसार मान सम्मान का हानि दे सकता है। वो एकदम कम समय का झटका है लेकिन उसके बाद तो पूरा खोल के रख देगा, एक बहुत अच्छा ट्रांजिट देगा, बहुत अच्छा एनर्जी मिलने वाला है।